वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल छवि डिजाइन अप। आज की वीडियो में एक बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट आइटम मैं बनाने वाली हूँ। मैं एक बैग बनाने वाली हूँ जिसे मैंने पुराने कपड़ों से बनाया और पुरानी कतरनों से बनाया, जिनका मेरे पास कोई यूज नहीं था तो उन्हीं को मैंने इसमें यूज किया है। और मैंने आज से पहले मैंने वीडियोस में बहुत सारे बैग बना रखे हैं, तो आप वो मेरे चैनल पे जाके आप अपने प्लेलिस्ट में डाल रखे, अपने चैनल के प्लेलिस्ट में, तो आप मेरे चैनल पे जाके आप वो वीडियोस आप चेक कर सकते हैं। और आई होप लोग के आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए, तो प्लीज आप इसे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि कुछ लोग हैं जो मेरे चैनल को देखते हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, लेकिन वो लोग सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब जरूर करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो फ्रेंड्स, आज मैं एक बैग बनाऊंगी, तो उसके लिए मैंने ये बोरी ली है। ये मैंने आटे की बोरी इसके अंदर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मैंने दो पीसेस मैंने इसके कट किए हैं। और इसके ऊपर के लिए मैंने ये कपड़ा लिया है, पैंट का, पुरानी पैंट का कपड़ा था तो उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसके अंदर अस्तर लगाने के लिए मैंने ये सफ़ेद कपड़ा लिया है। और अब मैं आपको इसकी मेजरमेंट बताती हूँ। इसकी जो मैंने इसकी चौड़ाई 17 इंच ली है, और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 18 इंच ली है। और इसके ऊपर लगाने के लिए मैंने कतरन भी यूज़ की है। ये मैंने कतरन, मैंने बची हुई कतरन थी उसको मैं इसके अंदर लगाऊंगी। और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने ये 3 इंच ली है इसकी चौड़ाई। और ये सारे में इतने ही कट करना है हमें। और इसके मैंने 3-3 इंच की मैंने पट्टियाँ कट कर ली। सबसे पहले पट्टी को इस तरीके से लगाना है, ये छोटी पट्टी कट की है तो नीचे को इस तरीके से लगेगी, और इसके ऊपर ये दूसरी पट्टी लगेगी, उल्टी तरफ से लगाना है, उसमें सिलाई करके फिर सीधा कर देना है इसे, और सब में इसी तरीके से करना है। और फिर ये दूसरी वाली पट्टी है उसको इधर सिलाई लगा के फिर इस तरीके से सीधा करना है इसमें इस, और ऊपर फिनिशिंग सिम भी हमें लगानी है। और जैसे कि ये इसके बाद ये वाला कपड़ा, ये उससे मैंने बड़ा कट किया है, और फिर जितना और बढ़ता जा रहा है हमें उतने ही लंबे लंबे कपड़े कट करते जाने इसके कतरन। और फिर ये तीसरा कपड़ा भी इस तरीके से लगेगा, जैसे कि मैंने बीच में नीचे डिज़ाइन लगाया, अब ऊपर इस तरीके से मैं पूरे में करूँगी। सो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले इस तरीके से सिल रही हूँ। अब मैं इसी तरीके से सबको आपको सिल के दिखाती हूँ। ये बहुत ही बेसिक बैग है और इसके अंदर मैंने ज़्यादा कुछ कपड़ों का भी इस्तेमाल नहीं किया, यूज़ नहीं किया। इसके अंदर मैंने सारे वही कपड़े यूज़ किए थे जो मेरे पास घर पे अवेलेबल थे। और ये इसे हम एक कॉलेज बैग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं कॉलेज ले जाने के लिए, और इसे शॉपिंग बैग की और कैरी बैग की तरह भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अंदर मैंने बेसिक कलर्स लिए हैं, तो अगर आप चाहो तो आप इसके अंदर कलरफुल भी ले सकते हो। इसे हम टोट बैग भी कहते हैं, और ये कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा ट्रेंडी बैग होता है जिसे हर कोई यूज़ करता है, डेली यूज़ में बहुत काम आता है बैग। आप लोग इस बैग को ज़रूर ट्राई करें, और ये बहुत ही सिंपल बैग है। आई होप कि आपको ये बैग बहुत पसंद आए। सो फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके से इसे ज्वाइन कर दिया कपड़ों को। और ये सबसे पहले नीचे मैंने प्लेन ज्वाइन किया, फिर इसके ऊपर डिज़ाइनर, और फिर मैंने प्लेन ज्वाइन किया है। मैंने इसके बाद ये तीनों को प्लेन ज्वाइन किया, और फिर मैं ऊपर डिज़ाइनर कपड़ा ज्वाइन करूँगी, और मैं इसी तरीके से मैं पूरा पैटर्न तैयार कर लूँगी। फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके से मैंने पैटर्न तैयार कर लिया पूरा, और ये पीछे का मैंने सिलाई लगा दी। और ये मेरा दूसरा वाला पीछे का है जो कि ये प्लेन है, इसमें मैं पूरी तरीके से मैं सिलाई लगा दूंगी ऊपर नीचे इस तरीके से। सो फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके से रखा इसे। ऊपर मैंने आटे की बोरी रखी है, आटे की बोरी, फिर मैंने कपड़ा रखा है प्लेन, और फिर मैंने अपना पैटर्न रखा है। और इस तरीके से मैं तीनों तरफ में सिलाई लगाऊंगी, इधर तीनों में सिलाई लगा दूंगी। अगर आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैंने ऐसे ही मैंने बहुत सारे तरह के अलग अलग बैग बना रखे हैं और अलग अलग वीडियोज़ बना रखे, तो आप ज़रूर उसे देखें। फ्रेंड्स, मेरा इस तरीके से मेरा बैग कम्प्लीट हो चुका है, तैयार हो चुका है।
और इसके अंदर मैंने तीनों तरफ से मैंने 10 सिलाई लगा दी। और इसकी जो लंबाई आ रही है वो मेरी 16.5 इंच, और इसकी जो चौड़ाई वो मेरी 17.5 इंच आ रही है। तो इतना ठीक है। जो बाकी मुझे कट करना था साइड से तो उसको मैंने कट कर दिया, जो मेरे जो कोन निकल रहे थे अलग से। और अब इसके अंदर मुझे कोनों को तैयार करना है, तो उसके लिए मैं इधर से कोने से लूँगी, जहाँ पे मैंने सिलाई की थी मैं वहीं से मैं 2 इंच नीचे जा रही हूँ, 2 इंच, और दूसरी तरफ से भी 2 इंच ही करना है हमें मार्क। ये मैंने दूसरी तरफ से भी कर दिया, और अभी इधर स्ट्रेट लाइन मार्क कर देनी है, स्ट्रेट लाइन मार्क करके अब इसको कट करना है। मैं दूसरी तरफ पे भी इसी तरीके से मैं मार्क कर रही हूँ। ये मैं इधर से मैं दोनों तरफ को इसी तरीके से मैं मार्क करूँगी, और फिर वैसे ही मैं कट कर दूँगी इसी को। सो फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके से मैंने दोनों को एक साथ रख के मैं इसके अंदर कट कर रही हूँ, ताकि कोई भी छोटा बड़ा ना हो, और ऐसे दोनों बराबर ही आएंगे। मैंने इस कपड़े को इस तरीके से ले लिया, और अब मैं इस पे मैं सिलाई मारूंगी। दोनों तरफ इसी तरीके से करना है हमें। मैं सेंटर लेके और फ्रंट से डबल करना है, ऊपर से ऊपर इंच दोनों से डबल करना है। फ्रेंड्स, मैंने ये ऊपर के लिए मैंने ये दो पट्टियाँ ली हैं, कट की हैं। ये दो पट्टियाँ जो मैं ऊपर जो लगाऊंगी उनके लिए मैंने लिया है। इससे मैंने 22 इंच मैंने इसकी लंबाई रखी है, और 2.5 इंच मैंने इसकी चौड़ाई रखी है। और अब इसको इस तरीके से फोल्ड करके, ये इस तरीके से मैं इस फोल्ड करके मैं पूरी तनी तैयार कर लूँगी। ये मेरा अस्तर का कपड़ा है, इसे मैं लास्ट में ज्वाइन कर रही हूँ, और ये अंदर की तरफ लगेगा बाद में। और मैं इसको भी मैं तीनों साइडों से मैं इसको सिल दूंगी। अब मैं ये आपको सिल के दिखाती हूँ। ये मैंने अस्तर को ज्वाइन कर लिया, इस पर जोड़ लिया मैंने। ये मैंने उल्टी तरफ से अस्तर को लगाया है, और फिर मैंने उसको सीधा कर दिया, और फिर ये अब मैं इसे सीधा कर रही हूँ कपड़े को ज्वाइन करने के बाद। ये मेरा ऊपर का आ गया, और ये जो ऊपर से जो मेरे जो निकल रहा है अस्तर का, और अब मैं इसके अंदर ये ऊपर से सिलाई मार रही हूँ। ये मैं पूरे में इसी तरीके से सिलाई मारूंगी गोले में, क्योंकि मैं ये सिलाई इसलिए मार रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा ऊपर से उठता रहता है कपड़ा, तो इसलिए मैं इसको सिलाई मार लूँगी। ये मेरा बैग पूरा तैयार हो चुका है, ये इस तरीके से दिख रहा है, और इसकी शेप भी बहुत अच्छी आई है। ये बहुत सुंदर भी लग रहा है, और ये बहुत मजबूत भी है, और ये आगे पीछे से और नीचे से ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसके कोनों को भी मैंने ठीक कर दिया, और इसका पैटर्न है ये भी बहुत सुंदर लग रहा है देखने में, और ये पीछे से इसका ये शेप भी बहुत इसकी अच्छी लग रही है। Thanks for watching my video.